के न्यूज खबरों की नई पहचान। इस लॉकडाउन की विकट परिस्थिति में कई लोग या कई संस्था है जो गरीब असहाय को भोजन करवा रहे, जो तारीफे काबिल है। लेकिन एक भाजपा के युवा नेता के द्वारा जो गरीबों को खाना खिलाया जा रहा है, उसकी तारीफ उपायुक्त के साथ कई अधिकारी और कई लोग भी कर रहे। गरीबों की खाना देने से पहले सोशल डिस्टेंस के नियम को देखते हुए एक एक मीटर पर घेरा लगाकर खड़ा कर दिया जाता है और एक एक व्यक्ति को बुलाकर खाना का पैकेट दिया जाता है। भाजपा के युवा नेता अभिषेक सिंह के द्वारा लगभग 40 दिन से झरिया के एना कोलियारी के समीप गरीबों को बना हुआ भोजन उपलब्ध किया जा रहा। शुरुआत में 300 से 400 लोग भोजन करने के लिए आते थे, लेकिन अभी प्रतिदिन 700 से 800 गरीब भोजन करने आते हैं, जिसे देखते हुए एक एक मीटर पर घेरा बनाया गया है जो काफी दूर तक चला जाता है। और इसी घेरे में महिला पुरुष जो भी खाना लेने आते हैं खड़े होते हैं और एक एक को पहले हाथ सैनिटाइज किया जाता, फिर खाना का पैकेट दिया जाता है। इतना ही नहीं, अगर कोई गरीब बिना जूता या चप्पल के खाली पैर रहता है उसे चप्पल भी दिया जाता है। ये लगातार हमको लगता है कि 30-35 दिन से ऊपर हो गया हम लोगों का ये जो भोजन वितरण का कार्यक्रम है उसको। हम लोग प्रतिदिन 800 से 1000 लोगों के बीच में हम लोग भोजन का पैकेट वितरण का कार्यक्रम करते हैं। हम लोग यहाँ देने के बाद हम लोग रोड पे जो राहगीर जो दूर दूर से आ रहे हैं भूखे प्यासे पैदल चल के, वैसे लोगों को हम लोग भोजन कराते हैं रोड पे यहाँ के होने के बाद। और लगातार हम लोगों का ये है कि हम लोग देख रहे होंगे आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, खाना बहुत जगह बढ़ता है, लेकिन हमारा ये है कि हम सरकार के नियमों को मानते हुए नियम को फॉलो करते हुए हम लोग भोजन वितरण करें। तो आप देखते होंगे बॉक्स बना बना करके हम लोगों को लंबी कतार लगी रहती है। लोग के बीच में जागरूकता का कार्यक्रम हमारे सदस्य